बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स फॉर 9th क्लास। आज के इस लेक्चर में हमने लेक्चर नंबर ऑलमोस्ट 6 to 7 डिस्कस करना है, जिसमें हमने आज द सेवियर ऑफ मैनकाइंड चैप्टर नंबर 1 उसके पैसेजेस को देखना है, उसकी हम देखेंगे ट्रांसलेशन। पैसेजेस हैं हमारे पास 5, 6, 7, 8। हमने 4 पैसेज को देखना है और इसके अलावा लेटर नंबर 2, राइट, अ लेटर टू योर फादर asking him about the help of your mother। आपने अपने फादर को खत लिखना है और आपने उसमें अपने वालदा की तबीयत के बारे में पूछना है। जी, तो सबसे हम डिस्कस करते हैं पैसेज नंबर 5। पैसेज नंबर 5 की जो ट्रांसलेशन है वो ये है कि इंतज़ार का वक्त, इंतज़ार घड़ी ख़त्म हो चुकी थी, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल जो है वो अल्लाह ताला की तौहीद और इंसानियत के हमदर्दी के जज्बात से लबरेज था, भर चुका था। आपके अंदर शदीद ख्वाहिश पैदा हो गई थी कि आप माशरे में से गलत अकीदे, जहालत, जुल्म और गैर इंसाफी को जड़ से उखाड़ देना चाहते थे। यही वो लम्हा था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुव्वत से नवाजा जाना था और एक बार में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जो है उन्होंने आकर आपको अल्लाह ताला का पैगाम सुनाया। वो पहली वही थी, वो ये थी, पढ़ अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, जिसने पैदा किया इंसान को जमे हुए खून से, पढ़ तुम्हारा रब बड़ा मेहरबान है, जिसने इंसान को लिखना पढ़ना सिखाया, जिसने इंसान को वो कुछ सिखाया जो वो नहीं जानता था। तो ये पहली वही थी। फिर इल्हामी पैगामात, जो 6th मैसेज है, इल्हामी पैगामात का वो जो निज़ाम था जो कि 23 साल तक जारी रहना था वो शुरू हो चुका था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जो है अल्लाह ताला की तौहीद और इंसानियत के इत्तेहाद के लिए वो तबलीग के लिए खड़े हो चुके थे। आपके अंदर ये ख्वाहिश थी कि आप जहालत को, मौशरती बेतकादी को जड़ से उखाड़ देना चाहते थे, ठीक है। आप ज़िंदगी का सही तसव्वुर कायम करना चाहते थे और इंसानियत के लिए जो है इल्हामे खुशी के लिए जो है आपने तब्दील करना शुरू की थी। ये है 6th पैसेज। आगे है 7th पैसेज। चूँकि इनका अकीदा जो था वो उस वक्त मुआशरे पे उनके गलबा आने का एक चूँकि ज़रिए बन जा रहा था, तो काफ़िरों ने देखा कि ये जो है हम पे गालिब आ जाएंगे, तो वो सब इकट्ठे हो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आपके पैरों का, मतलब सहाबा इकराम पे जो है उन्होंने दबाव डालना शुरू कर दिया। एक दफ़ा वो हज़रत अबू तालिब के पास गए, उन्होंने जाके चूँकि आपको चचा थे और उन्होंने जाके जो है आप सल्लम के बारे में कहा कि उन्हें या तो इस तबीक से रोक दें या फिर खुलम खुला दुश्मनी का सामना करने के लिए तैयार हो जाए। तो उस वक्त अपने चचा ने जो है उनको अपने आप को उलझन में देखा, तो आप सल्लम को बुलवाया और उनसे अपना जो है ना अपना मुद्दा बयान किया, तो आप सल्लम ने बड़े ही काबिल यादगार जो है ना जवाब में एक काबिल यादगार अल्फाज में जवाब दिया। वो ये था कि अगर ये पैसन रेट है, अगर ये मेरे दाएं हाथ में सूरज और बाएं हाथ में चाँद को देख दें, मैं तब भी जो है तबलीग इससे बाज नहीं आऊँगा, मैं इस माशरे में से ही अकीदा कायम करके रहूँगा और इसी को या फिर इसी कोशिश में मर जाऊँगा। जी बेटा, आपने आज इन 4 पैसेज में ये पढ़ा है। अब हम देखते हैं लेटर नंबर 2। लेटर नंबर 2 में हमने ये देखना है जो आज के सेक्शन के अंदर ये है कि आपने घर से लेटर नंबर 2 लर्न करना है, वो ये है राइट अ लेटर टू योर फादर आस्किंग हिम अबाउट द हेल्थ ऑफ योर मदर, ठीक है। मतलब आपने अपने बाबा को ख़त लिखना है और आपने ये बताना है कि आप जो है ना वालदे पे बहुत ख़राब हुई, कि पता लगे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ उनके हवाले से, प्लीज़ आप जो किसी अच्छे डॉक्टर से रब्ता करें, उनसे कहें। तो इस हवाले से मेरा लेटर है, आप उन घर से ये करना है। आज के इस लेक्चर में फिलहाल यही देखा, कल के लेक्चर में इंशाल्लाह हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।